चलो और तुम देखते हैं एमएसएन के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में आ सकते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से आप क्या समझते हैं? डिस्कस नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट लिखना। सेकंड है व्हाट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? डिस्क्राइब ब्रीफली डिस्कस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के टाइप क्या होते हैं? ए बी सी डी ई। ए क्या होता है? एक्यूट। बी सी डी क्या होता है? वेरी क्रॉनिक। और ई क्या होता है? होता है एक्यूट है पर प्रेगनेंसी के अंदर क्रॉनिक हो जाता है। हेपेटाइटिस क्या है? हिपेट मतलब लिवर, टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। देन राइट नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट हैविंग हेपेटाइटिस बी। जिसको हेपेटाइटिस बी है उसका नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट लिखना। हेपेटाइटिस बी का टीका कब लगता है? 10 मंथ से लेकर के 12 मंथ के बच्चे को लगता है। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आप मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से क्या समझते हो? एमआई से क्या समझते हो? हम समझते हैं एमआई मतलब होता है हार्ट अटैक। एंड लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बीच में क्या अंतर है वो बताना। डिस्कस द नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट हैविंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ऐसा क्लाइंट जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है उसमें नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या बनता है वो चीज लिखनी। ये फिक्स है कि भाई कार्डियोवास्कुलर के अंदर से या तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आए या मायोकार्डियल इन्फेक्शन आए। 16 में से एक तो दोनों में से एक क्वेश्चन 16 नंबर का आएगा ही आएगा। 5 सिस्टम इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और अपना रेनल सिस्टम और अपना एंडोक्राइन सिस्टम और एक और जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनल क्वेश्चन से, रेनल चैप्टर से है कि डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोटीन यूरिया। मतलब यूरिन के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है और एल्बुमिन की मात्रा क्या हो जाती है? ब्लड में कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करनी है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट से क्वेश्चन है। हमेशा शॉर्ट नोट सबसे बेटर होते हैं क्योंकि 5 आते हैं, इनमें से अगर 4 करना है, अगर आपको एक एक में तीन तीन नंबर भी देगा ना तो भी 12 नंबर हो जाएंगे। और अगर आप 16 नंबर का करोगे तो इतना चांस नहीं बनता कि 12 उसको दे दे, 8-10 नंबर देता वो। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन 4 स्टेज ऑफ इलनेस, फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, पेन, लंग्स एब्सेसिस, हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया और हर्निया दोनों इंपॉर्टेंट है, हर्निया की टाइप भी इंपॉर्टेंट है। हर्निया होता क्या? हर्निया मतलब किसी भी ऑर्गन का उसके ऊपर की मसल्स का वीक हो जाना, और जब उसके ऊपर की मसल वीक हो जाए तो किसी ऑर्गन का मसल को तोड़ करके बाहर निकल जाना। बाहर निकलता है एक थोड़ा सा उभार के टाइप में प्रोट्यूजन लटकता बाहर, उसी को कहते हैं हर्निया। ठीक है। नेक्स्ट है कि राइट अबाउट द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, ए पेशेंट विथ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। एक पेशेंट जिसके अंदर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की हुई है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? ये सबसे बोरिंग क्वेश्चन भी होता है, सबसे हार्ड क्वेश्चन भी होता है। ए पेशेंट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक पेशेंट जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट की है। ए पेशेंट ऑन इम्यूनो सप्रेजेंट। एक पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया? सप्रेस हो गया, कम हो गया। ए पेशेंट पोस्टेड फॉर एब्डोमिनल सर्जरी। एक आदमी जिसका एब्डोमिन की सर्जरी के लिए उसको भर्ती किया गया है। और ए पेशेंट विद सीवियर डिस्निया। डिस्निया माने डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ये तो 100 और 1% इस चैप्टर में से खाली 3 ही क्वेश्चन है एच आई वी एड्स के, और मान के चलो ये तो आ ही गया। 16 नंबर तो यहाँ से आप आराम से लिखे हो, एक पढ़ के जो 16 नंबर लियो, बाकी वाले में थोड़ा बहुत कर लो कुछ कुछ। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एच आई वी एड्स। एच आई वी एड्स को आपको क्या बतानी है? पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। एट लिस्ट द डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एच आई वी वाले पेशेंट की नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट आपको बतानी है। डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखना है एच आई वी के अंदर और पैथोफिजियोलॉजी एच आई वी की बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी एंड एनलिस्ट क्लासिफिकेशन। अस्थमा के क्लासिफिकेशन। डिस्कस नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट। किसके लिखना है? वो भी ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट के लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायबिटिक मेलाइटिस।
डायबिटिक मेलाइटिस क्या है, डिस्क्राइब एटियोलॉजी, डायग्नोस्टिक एंड क्लासिकल फीचर डायबिटिक मेलाइटिस के, राइट ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर प्लान ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट। एक क्वेश्चन इसके अंदर सबसे और इम्पोर्टेंट है वो है कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग क्या होती है, जिसके अंदर तीन होता है, इंट्रा ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के टाइम पर, ऑपरेशन के बाद में। तो ये सारे मेरे साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सीएचएन की, सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की।